तो दोस्तों घर में क्लीनअप करने के लिए आपको चाहिए होगा दही, दूध, रोस्ट वाटर, बेसन, उसमें हल्की सी हल्दी, ओट्स, शहद, टमाटर, नींबू, एक कॉटन बॉल, एक छोटी तौलिया और साथ में चाहिए होगा एक ब्रश, जिससे आप ये सारा सामान जो है लगा सके। तो इस लिस्ट को तैयार करके आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सारे सामान के हेल्प से पहले मास्क तैयार करते हैं, फिर स्क्रब तैयार करेंगे। तो मास्क बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे दही, उसे हम बेसन और हल्दी में डालेंगे। जितना हम दही डालेंगे उतनी ही क्वांटिटी रोस्ट वाटर की डालेंगे और थोड़ा सा यानी एक छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे। इन सबको हम फेंट के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, इनको सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है सारे इंग्रीडियंट्स आपकी स्किन के काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि नींबू जो होता है वाइटनिंग एजेंट की तरीके से काम करता है और दही जो होता है आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ बनाता है। तो इसी तरीके से हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इन सबको मिला के। और जब हमारा एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा तो उसे हम चेक करेंगे अपने हैंड के बैक पे या फिर अपने चिन पे। तो आप देखिए जब ये पतला हो गया है तो इसे आप लगाएंगे इस तरीके से, और अगर ये पतला एकदम स्मूथ पेस्ट है तो आप इसे रख देंगे। इसके बाद हम अपने स्क्रब बनाते हैं। तो स्क्रब के लिए हम दूध जो है वो डालेंगे ओट्स में, उसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच शहद की। तो शहद जो होता है आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और एकदम क्लीन करता है, काफ़ी अच्छा रहता है वो आपकी स्किन के लिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू का रस। तो नींबू का रस जो होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बाद में क्लींजिंग के लिए हम टमाटर जो होता है उसको एकदम पल्प निकाल के बहुत स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, ताकि वो एक अच्छे क्लींजर की तरह से काम करे। और कॉटन बॉल को हम एज ए टोनर के लिए यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम टमाटर का जो पल्प हमने बनाया है उसकी मदद से अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो पहले अपने पूरे चेहरे पे इसे स्प्रेड करिए और अपनी फिंगर टिप्स की मदद से अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से लगाइए, जैसे आप अपने क्लींजर को लगाते हैं या फिर अपने फेस वॉश को लगाते हैं उस तरीके से लगाइए। और साथ ही साथ अपने पूरे चेहरे पे इसे हल्के हल्के से मसाज कीजिए। तो कोई भी एरिया आप अपने छोड़िए नहीं, उसे पूरे फेस को और अपनी नेक को सबको इससे कवर करिए और काफ़ी अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन करिए। टमाटर जो होता है वो बहुत ही अच्छा क्लींजिंग एजेंट होता है और सारी ही इम्प्योरिटीज़ आपके फेस के अंदर से निकाल देता है। इस क्लीनअप की सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो पूरा फेस होता है ये पूरा कवर करता है और सारे नेचुरल तरीके से कवर करता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, हर्बल हो जाता है इस तरीके से, पूरा आपका सारा सामान जो है किचन में से मिल जाता है, तो आपको इधर उधर मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपका क्लींजिंग हो जाए तो इसे आप ठंडे पानी से अच्छे से धो लीजिए। तो जब आप इसे धो लेंगे तो डैब डैब करके अपने थोड़ा हल्के हल्के हाथों से फेस को पोंछ लीजिए। तो जब आप इसे पोंछ लेंगे उसके बाद आप करेंगे स्क्रब। तो स्क्रब को अच्छे से पहले आप मिक्स कर लीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों ओट्स का जो ये स्क्रब है ये आपकी फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सफल और एकदम स्मूथ बनाता है। एकदम ग्लोइंग लुक के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीबम को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर प्रेजेंट जो हमने सामान डाला है, तो शहद जो होता है आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें नींबू की तो वो जो है आपकी स्किन को लाइटनिंग में हेल्प करता है, और कच्चा दूध जो होता है एक क्लींजिंग एजेंट की तरह से वर्क करता है। तो इसे आप अच्छे से अपने चेहरे को स्क्रब कीजिए, अपने माथे को स्क्रब कीजिए, फेस को पूरी अच्छे से स्क्रब कीजिए और अपनी नेक को बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हो जाए तब इसे हम धो देंगे। इसे धोने के बाद आप देखिए मेरा फेस कितना सॉफ्ट और स्मूथ सा लग रहा है। तो ये धुल जाएगा तो आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा। स्क्रब करने के बाद जो बचा हुआ दूध था उसमें हम कॉटन बॉल को डिप करेंगे और उसकी हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो अगर कोई भी रेसिड्यू रह गया होगा तो उसे क्लीन करने के लिए कॉटन बहुत अच्छी होती है दूध में डूबी हुई। तो दूध जो होता है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, एज ए क्लींजर भी वर्क कर जाता है, एज ए टोनर भी वर्क कर जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक एजेंट होता है आपकी ब्यूटी केयर के लिए, तो आपकी स्किन केयर के लिए काफ़ी अच्छा है। आप इसकी हेल्प से अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जब आपका फेस क्लीन हो जाए तो आप मास्क लीजिए जो हमने पहले बनाया था, उसे ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, कोई भी एरिया छोड़िएगा नहीं। तो हल्के हल्के आप पूरा फेस अपने से अच्छे से कवर कर दीजिए। तो अगर हम बात करें बेसन की तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, साथ में इसमें प्रेजेंट हल्दी है वो एक एज ए एंटीसेप्टिक का काम करती है और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करती है। तो अगर आपके एक्ने वगैरह भी हो रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप इसे लगा सकते हैं। तो अगर आपको मतलब ये है कि एकदम नया एक्ने है तो वो इसे सही हो जाएगा, और पुराना एक्ने है तो उसका स्कार जो है वो जल्दी इससे हील हो जाएगा।
इसके अंदर प्रेजेंट है नींबू, तो नींबू भी काफ़ी अच्छा होता है और एज ए ब्लीच एजेंट की तरह से ये वर्क करता है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब आपका ये लग जाए तो इसे आप सेमी ड्राई होने दीजिए और सेमी ड्राई होने के बाद इसे हल्के हल्के रब करते हुए ठंडे पानी से धो लें। तो आप देखिए जब आपका ये सेमी ड्राई हो जाए तो आप इसे मसाज करिए अपने फेस के ऊपर, तो थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज रह गई होंगी वो भी इसके साथ आपके फेस से हट जाएंगी। और जब आप अपने फेस पे इसे मसाज कर लें तो ठंडे पानी की हेल्प से इसे धो लीजिए। तो आप ठंडे पानी से धोएंगी तो आपके जो पोर्स ओपन हुए होंगे वो भी जो है क्लोज हो जाएंगे। तो दोस्तों अब मैंने पूरा क्लीन अप कर लिया है, तो आप देखिए मेरा फेस कितना ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा है, आप अपनी इसमें नोटिस कर सकते होंगे पहले और आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप चाहें तो इसे मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल की हेल्प से आप इसे अपने फेस पे लगाइए और अच्छे से मसाज कीजिए, तो इससे होगा ये आपकी स्किन जो है बहुत रिलैक्स फील करेगी और मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। क्लीन तो हो ही चुकी है और साथ में ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो जाएगी। तो आप इसे अच्छे से अपने फेस पे मसाज करिए, अपने पूरे फेस पे मसाज कीजिए, अपने टेम्पल्स को थोड़ा थोड़ा दबाइए, जिससे आपको रिलैक्स फील होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इससे आपको थकानी महसूस नहीं होने वाली है। अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से लगाने के बाद अपने नोज़ के साइड से लगाइए ताकि आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। अपनी चिन को, अपने नेक को अच्छे से मसाज कीजिए। ओवरऑल मैं बात करूँ तो आप इसे अच्छे से मसाज कर सकते हैं जिससे आपका चेहरा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्लीन अप के बाद आप मेरा फेस देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। आप मेरे पहले के फेस में और अभी के फेस में डिफरेंस जो है वो नोटिस कर सकते हैं, तो डिफरेंस जो है वो साफ दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से चमक रहा है और कितना सॉफ्ट हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा क्लीन अप है, आप इसे घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं, सारा सामान आपको घर पर मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करिए, वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।